हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली जो है एमटीएस जो है रिज़ल्ट को जारी कर दिया गया है और हवलदार का भी जो पोस्ट था वह जारी हो चुका है। रिज़ल्ट इनका फाइनल रिज़ल्ट जारी हो चुका है, तो वीडियो को अंत तक आप लोग बने रहें। सबसे पहले यहां पे देख सकते हैं यह एमटीएस और हवलदार दोनों का जो एग्ज़ाम लिया गया था 2022 की वैकेंसी थी और फाइनल जो रिज़ल्ट है वह जारी कर दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम आपका दो फेज़ में लिया गया था, जैसे कि आप लोग भी जान रहे थे कि 2/5/2023 से लेकर 19/5/2023 के बीच एग्ज़ाम लिया गया था और दूसरा जो लिया गया था 13/6/2023 से लेकर 20/6/2023 तक डिफरेंट कंट्रीज़ में यह एग्ज़ाम लिया गया था, जो कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 3015 कैंडिडेट जो है शॉर्टलिस्ट लिए गए थे और 1683 जो है पीईटी और पीएसटी के लिए सिलेक्शन इनका हुआ था, जो कि क्वालिफाई किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यह वैकेंसी जो है दो एज में लिया गया था, जो कि यहाँ पे जान रहा है कि 18 से 25 एज का था और 18 से 27 के एज का ग्रुप का यह पोस्ट था, जो कि दोनों दिया गया है एज ग्रुप। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं या कैटेगरी वाइज जो है इवोल्यूशन कैलकुलेट किया गया है, जो इसका नॉट एलिजिबल है जो कि कंप्यूटर बेस्ड, जो कि यहाँ पे दिया गया यूआर का 30%, ओबीसी ईबीसी का ईडब्ल्यूएस का 25% और अदर कैटेगरी के लिए 20% यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे इसको गौर करें जो पोस्ट जो कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, एमटीएस जो अभी मैंने बताया जो वैकेंसी था एमटीएस का और हवलदार का, तो यहाँ पे जो 18 से 25 एज का था वह कुल जो सिलेक्शन किया गया 8519 का लिया गया और एमटीएस जो 18 से 27 के एज के हैं वह 2736 स्टूडेंट्स का जो है वह सिलेक्शन लिया गया है और हवलदार का 529 लिया गया है। टोटल मिला के यहाँ पे देख सकते हैं 11784 स्टूडेंट्स का इनका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद मैं दूसरा बात कर लेता हूँ जो कि एमडीएस का है और टोटल यहाँ पे एज मैंने भी बता ही दिया 18 से 25 और 18 से 27 का था, तो टोटल 11000 का पोस्ट था, 255 का था। और यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं जो हवलदार का पोस्ट था जो कि 195 इनका पोस्ट यहाँ पे दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यह रिज़ल्ट जो जारी किया गया वह कैंडिडेट्स का, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो रिज़ल्ट दिया गया उनका यहाँ पे रोल नंबर वाइज दिया गया है और यहाँ पे कट ऑफ देख ले जो कि कट ऑफ कितना गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट वाइज दिया गया जो कि चंडीगढ़ है, एससी का गया 132 गया है, ओबीसी का 131 गया है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं चंडीगढ़ हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली राजस्थान उत्तराखंड बिहार, तो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज जो है इनका दिया गया है। तो इस पीडीएफ को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक व्हाट्सएप चैनल का, आप वहाँ से इस पीडीएफ को आसानी से देख सकते हैं और अपने रिज़ल्ट को भी, रिज़ल्ट का लिंक भी मैं दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।